तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? साइंस में वायुमंडलीय दाब हम लोग पढ़ रहे थे और आज आपके लिए एक चैलेंज है। कौन इस चैलेंज को पूरा कर सकता है, जो करेगा उसके लिए 100 रुपए का इनाम मेरी तरफ से है। 500 का है, बस करना इतना है इस गुब्बारे को फुलाना है। आ जाओ, जिसको 500 चाहिए आ जाए, जल्दी आओ, जिसमें जिसके फेफड़े में जितनी दम है वो आ जाए। कौन आ रहा? खत्म, बस आओ, जल्दी आओ, फिर जल्दी आओ। कौन आएगा बताइए? कोई नहीं आएगा, किसी की हिम्मत नहीं है। 500 रुपए नहीं चाहिए? अच्छा, भरोसा नहीं है, लो रख दिया है कि नहीं? हाँ, गुब्बारा फुलाना है। ये देख लो, असली 500 है, रख दिया। फूट जाए कोई बात नहीं, तुमको फुलाना है। फुलाएंगे नहीं है? आ जाओ इधर, क्या नाम है? खुशी। खुशी फुलाएंगे भाई, फुलाना पड़ेगा इसको। ठीक है सर जी, खाली मोहन से। मोहन से फुलावे का है सर जी, सिर्फ फूलने क्यों नहीं फूलेगा? अभी तो कह रहे फुलाएंगे, बोतल में कैसे फूलेगा? क्यों नहीं फूलेगा भाई? तुम नहीं कर पाओगे, हम करेंगे। मैं इसको सेट कर देता हूँ, आज विज्ञान की परख हो जाती है इन लोगों को। अरे होल तो है ही है इसका, देखते हैं। क्या नाम बताया आपने? खुशी। खुशी, गुब्बारा इसके अंदर है? है ना, इनको फुलाना है, और फुला करके कम से कम इतना बड़ा फुलाना है। लो, हाथ हटा दे वहां से, ताकि दिखाई भी देता रहे। दम लगा के पूरी ताकत से, और दम लगाओ, पूरी ताकत लगाओ। और ताकत लगाओ। और किसी को चाहिए 500? ऐसा नहीं है। सांस तुम बाहर से ले लो, अब फूको, और कोई ट्राई करेगा? आ जाओ, आ जाओ, शांत रहो, तुम लोग चिल्ला रहे हो सिर्फ। ये फूल ही नहीं सकता, कोशिश करोगे? आ जाओ, बाहर से कह रहे सांस नहीं ले पाएंगे, बाहर सांस ले लो, अब दम लगा के फुलाओ। और दम लगाओ। नहीं फूल रहा? कोई नहीं फुला सकता, मैं भी नहीं फुला सकता हूं, लेकिन अब मैं बता देता हूं पहले क्यों नहीं फुला सकता। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वायुमंडलीय दाब। आपको पता है कि हवा जो है वो हर जगह पर बराबर मात्रा में साम्य अवस्था में भरी रहती है। जितनी कमरे के अंदर है उतनी बाहर भी है। जितनी इस बोतल के अंदर हवा थी उतनी ही बोतल के बाहर है। अब इसको मैंने गुब्बारे से कर दिया है कवर, इसका मुंह तो खुला हुआ है, ठीक है, मुंह खुला हुआ है। अब इसमें हम फूंक मार के इसके अंदर हवा भरना चाह रहे हैं, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि इसके अंदर तो पहले से हवा भरी है भाई। क्या इसके अंदर हवा भरी नहीं थी? भरी थी ना। तो जब तुम अब भर रहे हो हवा इसके अंदर और डाल रहे हो, लेकिन बोतल के अंदर पहले से हवा भरी है। अब वो हवा जब तक बाहर निकलेगी नहीं, तब तक इसके अंदर खाली जगह बनेगी नहीं, और जब खाली जगह बनेगी नहीं तो ऊपर से फूंकते रहो, जाएगी ही नहीं गुब्बारे के अंदर हवा, जाएगी ही नहीं, गुब्बारा फूलने ही नहीं देगी। अब देखो इसको मैं करके दिखाता हूं, मैं इसके अंदर की हवा निकाल देता हूं। निकालने के पहले पैसा रख लेते हैं, बच गए मेरे 500। ऐसे ऐसे हवा में थोड़ी शर्त लगा देते हैं, इसमें कर दे रहा हूं मैं छेद। तो
तुमने टोंक दिया, छेद ही नहीं हो रहा। जलत जलत कह दी। कहाँ हो रहा? अब देखो, अभी तो नहीं फुला पाए थे, अब तुम ही को दे रहे हो फुलाने को। अब नहीं, और मैं इसको फुला सकता हूं यहां से भी, इसके अंदर भी फुला सकता हूँ, इसके बाहर को भी। अंदर को फुला दें? जा अंदर। देखो, फुला कि नहीं फुला? माचिस चली गई अंदर। क्यों फूला? क्योंकि इसके देखो बोतल, ये बोतल भी पिचकने लगी थी। इसके अंदर की जो हवा थी उसको मैंने बाहर खींचा। अब जब बाहर खींचा तो अंदर क्या बनने लगा? खाली जगह। अब क्योंकि वायुमंडलीय दाब नहीं चाहता कि कहीं पर भी खाली जगह हो, मैंने इधर से इसके अंदर की हवा को बाहर निकाला, अंदर खाली जगह बनी तो उधर से घुसने लगी। उधर से उसको गुब्बारे के रास्ते से मिला, कहा गुब्बारा सहित लेके हम चलेंगे, तो उसने क्या किया, गुब्बारे को फुला करके अंदर घुसना चाहा। एक बार फिर से देखो, बोतल पिचक जा रही है। तो ये है वायुमंडलीय दाब का एक्सपेरिमेंट। इससे हम समझ सकते हैं कि हमारे चारों तरफ जो हवा है वो हर जगह पर घुसना चाहती है। बाहर को? बाहर तो ऐसे भूल जाएगा। अच्छा, अब ये फूल गया है, पिचक क्यों नहीं रहा? हाँ, ठीक है, अब इसी में का एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं। ये है गिलास। अगर मैं इसके अंदर कोई पानी भर रहा हूं, अब भरने के बाद मैं इसको अगर ऐसे उल्टा कर दूं तो पानी इसमें अंदर ऊपर रहेगा कि गिर जाएगा? गिर जाएगा। रुक जाए, लो करके दिखो। अगर इसमें मैं पानी भरता हूं और भरने के बाद इसको मैं ऐसे उल्टा कर देता हूं तो पानी इसके अंदर रुकेगा कि नीचे गिरेगा? नीचे गिरेगा। पक्का? यस सर। और अगर मैं उसको रोक दूं उसी पे तो? अच्छा ठीक है, मैं उसको रोकूंगा और फिर ये भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। हमें पता है, यहां पर हमने देखो रंगीन पानी ले रखा है और इसको मैं गिलास में भरने जा रहा हूं। अब अगर ये गिरेगा पानी तो सफेद कपड़े वाले व्यक्ति का तो जो है नील भी नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा कम ही कर दूं, इतना ठीक है ना? हमने इसमें रंगीन पानी भर लिया है, पानी किसी भी रंग का हो सकता है। मैं बात करने जा रहा हूं वायुमंडलीय दाब की। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? जो बाहर का ये हमारे चारों तरफ का वायुमंडल है, जो हवा है, वो हमारे ऊपर सभी वस्तुओं के ऊपर क्या लगाता है? दबाव लगाता है। उस वायुमंडलीय दाब को हम लोग महसूस करना चाहेंगे। और देख रहे हैं यहां पर जो है एक पेपर है, फैन बंद कर दो बेटा, और इस पेपर की मदद से हम उसको समझेंगे कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊपर रख दिया इसके, भाई हंसना मत, नहीं मेरे ऊपर गिरे तो हंसने लगो। मेरी कदोली जो है टेढ़ी है का? छोड़े तो ना, छोड़े तो ना, छोड़े तो ना, छोड़े तो ना। ये है विज्ञान। मेरा हाथ हिल रहा है। अब सोचो ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, समझ लो। पानी निकल रहा है, इतनी जल्दी नहीं गिरेगा। जो ये खाली जगह इसके अंदर है ना, वहां पर जो है
हवा की मात्रा कम है, क्या है? कम है। तो अंदर का जो वायुदाब है वो कम है और बाहर का जो वायुदाब है वो अधिक है, तो बाहर वाला दबाव इस पर पड़ रहा है, इसकी वजह से ये पेपर जो है वो अच्छी तरीके से उसमें चिपक गया है। कोई गोंद तो नहीं लगी थी ना, है ना? ये जो बाहर की हवा है ये इस पर तेजी से दबाव डाल रही है, ठीक है? तो कुल मिला के समझ गए ना, ठीक है? नहीं, दरअसल पेपर भी ये थोड़ा गलने लगा था यहाँ से, तो लूज हो गया था। इसके लिए चाहिए कि थोड़ा सा हार्ड पेपर होना चाहिए। मेरे पास यही मिला था, शादी कार्ड वाला, लेकिन वो उतना हार्ड है नहीं। आप इसको घर पे भी कर सकते हो। अब इसके बाद आप समझ गए ना कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है और क्या कर सकता है।